खबर लालसोट से, जहां पर सैनिक समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दिखाते हैं इसी पर ये स्पेशल रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में शुक्रवार को सैनिक समाज के द्वारा 12% आरक्षण की मांग करते हुए बैठक का आयोजन कर वाहन रैली निकाली गई है। लालसोट में सैनिक समाज के द्वारा 12% आरक्षण की मांग करते हुए सावित्रीबाई फुले सर्किल से वाहन रैली निकाल करके नई अनाज मंडी होकर के लालसोट SDM कार्यालय पहुंचे हैं। लालसोट में सैनिक समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में सैनिक समाज के लोगों ने सरकार को 7 दिन की चेतावनी देते हुए कहा कि सैनिक समाज के आंदोलन में सरकार द्वारा सैनिक समाज के बंधुओं पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें सरकार वापस ले और सैनिक समाज को 12% आरक्षण दिए जाने की मांग को पूरा भी करे। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार के द्वारा ऐसा नहीं करने पर आंदोलन को उग्र रूप भी दिया जाएगा। ज्ञापन के दौरान सैनिक समाज के जिलाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद सैनी, पदम सैनी, कमल दत्त रेशवाल, पूर्व चेयरमैन हीरालाल सैनी, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल सैनी, जिला संरक्षक रामजीलाल सैनी, बद्री प्रसाद रेशवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे।